दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला सीरीज को अपने नाम कर लेने के बाद शुरू हो चुका है। आखिरकार मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरे यशस्वी जायसवाल के साथ रिंकू सिंह ने बना दिए कितने रन, कौन बल्लेबाज पहुंच गया शतक के करीब, क्या चल रहा है भारत का स्कोर, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और आयरलैंड में से तीसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैच की T20 श्रृंखला खेली जा रही है, और दोस्तों इस T20 श्रृंखला का जितना इंतजार बेसब्री से पूरा भारत कर रहा था कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारत यह सीरीज अपने नाम करे, और आखिरकार दूसरा T20 रिंकू सिंह की बदौलत भारत ने जीता और सीरीज में 2-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों अब भारतीय टीम की निगाहें हैं कि यहाँ आयरलैंड की टीम का सुपड़ा साफ किया जाए और यहाँ आयरलैंड की टीम पर क्लीन स्वीप किया जाए। लेकिन दोस्तों यह करना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला, और यहाँ पर अब नए खिलाड़ियों को भारत ने आजमाया है, क्योंकि पहले और दूसरे T20 में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनको आजमाया गया था और वो अपनी चुनौतियों पर खड़े उतरे हैं। और अब ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर ओपनिंग करने का मौका रिंकू सिंह को यशस्वी जायसवाल के साथ तीसरे T20 मुकाबले में दिया जा रहा है, और अब आयरलैंड के खिलाफ रिंकू सिंह को बड़ा स्कोर बनाने के लिए यहाँ शतक जड़ना तो बेहद ही जरूरी होगा। वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों आपको हम बताते हुए चलें कि दूसरे T20 मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ भारत ने भले टॉस नहीं जीता था और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम मुसीबत में आ गई थी तब रिंकू सिंह ने अहम मौके पर मात्र 21 गेंदों पर 38 रन जड़कर भारतीय टीम को 185 रन के करीब पहुंचाया। अब 186 रन का लक्ष्य आयरलैंड के खिलाफ था, लेकिन आयरलैंड की टीम 152 पर ही अपने 8 विकेट गंवाकर 33 रन से मुकाबला हार गई। हालांकि आयरलैंड के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब भारत के गेंदबाजों की भी निगाह इस बात पर होगी कि वो अपनी गेंदबाजी में कैसे और भी ज्यादा सुधार करें। तो वहीं बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों अब तीसरा T20 मुकाबला एक बार फिर से मैलाहाइड क्रिकेट ग्राउंड पर ही खेला जा रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले को लाइव अपने टेलीविजन पर DD स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर देख सकते हो, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु में आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा पाओगे। वहीं बात करें अगर मौसम विभाग द्वारा जानकारी के बारे में तो दोस्तों मौसम विभाग ने जताया कि बारिश के दौरान लगभग 40% तक बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते अगर मैच के दौरान बारिश आती है तो यहाँ पर मुकाबला थोड़ी देर के लिए बारिश से बाधित रहता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते 1 से 1.5 घंटे के मैच में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुकाबला आखिरकार चाहे अंत में ही करवाया जाए, लेकिन जरूर पूरा मैच आप सभी को तीसरा T20 भारत और आयरलैंड की टीम के बीच खेला जाता हुआ नजर आएगा। तो वहीं बात करें अगर टीम के बारे में तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं भारतीय टीम से। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारत की तरफ से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह अब पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं फिर मध्यम क्रम में तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। तो वहीं शाहबाज अहमद भी अब हम सभी को खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि कप्तानी जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई गई है, रवि बिश्नोई टीम का हिस्सा बने हुए हैं और मुकेश कुमार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। वहीं बात करें आयरलैंड की टीम के बारे में तो आयरलैंड की तरफ से ज्यादा बड़े खास बदलाव किए नहीं गए हैं। यहाँ पर एंड्रू बेलबिर्नी और पॉल स्टर्लिंग पारी की शुरुआत करेंगे। तो वहीं लॉरकन टकर, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडायर, बैरी मैकार्थी, क्रायग यंग और जोशुआ लिटिल, बेंजामिन व्हाइट खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और आयरलैंड में से तीसरा T20 मैच कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।